गाइस रात के 12 बज रहे हैं अभी। हमने सुबह हमारा क्रिकेट का प्लान है, तो अभी हम एक इंडोर ग्राउंड है, वो इंडोर क्रिकेट नहीं होती, तो वो सीन यहाँ पे पता करने आए हैं कि क्या बुकिंग शुकिंग का सीन है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी मैच चल भी रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो चलते हैं, पता करते हैं इनसे कि अगर कल को हमें मिल सकता है। वाओ यार, कितनी मजे की बात बता दिया आपने। इंडोर क्रिकेट का मतलब है कि बॉल नहीं जा सकती इसमें। वाह वाह वाह, ये फुटबॉल का बना हुआ है, बहुत ही सेक्सी। वो क्रिकेट का है, क्या सीन है? पता नहीं, पता किधर है, कहीं सुसु मुसु मारने गया होगा। जहाँ देख झाड़ियों में कहीं नजर आता है, नहीं तो खुद कराते हैं झाड़ियों में। उसी बारे में भी करेंगे, वहीं बैठ के बात कर लेंगे ना। क्या पता चला फिर? जो बंदे हैं वो तो सोए हुए हैं पीछे दुकान खोल के। तो लड़का कहता है मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो उसने ये बताया कि एक घंटे के यहाँ पे चार्जेस हैं 3,000 रुपए, वो भी नॉर्मल डेज में, वीकेंड का उसको नहीं पता। अच्छा। और कॉल करके आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, वो भी एक दो दिन पहले। लेकिन तो हमने तो बिल्कुल सुबह सुबह खेल लिया ना। नहीं, मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुबह, कहता है आप फजे के बताओ जो मर्जी, और 24 घंटे। लेकिन वो जो अभी नहीं जाग रहा, वो फजे टाइम क्या जाग रहा है? ये चलो देख लेते हैं, करके देख लेंगे। अगर तो हो गया तो फिर, नहीं तो फिर किसी नॉर्मल ग्राउंड में खेल लेंगे। मैं तो वैसे ही यहाँ पे आया हूँ। ये तेरी बॉल थी है, वाइड वाइड फास्ट बॉल आ रही है जेरी की तरफ से। वाह 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 वाह, चल ले गया। तो गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, ठीक है। 2 या 3 घंटे हम सोए हैं। बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एनटीडी को भी बुलाया था रात, उसने डन किया, सुबह उठ के उसने गोली करा दी। मेरे दोस्त नहीं आएंगे, लेकिन मेरे डर है। कह रहा था मैं दोस्त, दोस्तों का थोड़ा कंफर्म नहीं, लेकिन मेरा कंफर्म है भाई, मैं आऊंगा। जना क्या सीन है? अच्छा अच्छा, ये तो फिर रमनी सीन नहीं है ना? मेरा सीन ऑफ ही है यार अभी। अच्छा चल सही हो। हमजा कुछ कहने चाहोगे आप? कोई गाली वगैरह देना चाहोगे सुबह सुबह? खैर तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बस थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो पानी खुद पी लेंगे, पानी खुद पी लेंगे। कोई बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो मेरे ओरिजिनल एडिडास। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट कमीज राजा। आज के मैच में आपका स्वागत है। G13 का ये खूबसूरत बास्केटबॉल का ग्राउंड है, यहां पे जगह जगह कचरा पड़ा है, वहां पे होने जा रहा है क्रिकेट का मैच, क्रिंज 11 वर्सेस कोकोनट 11। तो क्रिंज 11 के कप्तान जेरी हमारे सामने मौजूद है, और साथ ही खड़े हैं कोकोनट 11 के कप्तान। और बगैर टॉस के मैच शुरू हो चुका है। शोएब अख्तर पहली बॉल पे और ये सिंगल, और गुस्से में वापस जा रहे हैं अपना रन अप लेते हुए। भाईजान इस्लामाबाद खत्म हो जाएगा, वापिस आ जाएं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शोएब अख्तर भागते हुए आ रहे हैं, और क्या इस बॉल पे क्या होगा, और इस बॉल पे सिंगल, व्हाट द फक। चलिए देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। रन नहीं लेता, पूछा किसी ने तेरे से, चुप करके खेल। शोएब अख्तर फिर से भागते हुए आने हैं, और ये शुरू कर दिया उन्होंने अपना रन अप, और ये क्या होगा इस बॉल पे, वखियों में लग सकती थी, लेकिन अपनी वखियां बचा ली जेरी ने। बहुत खूबसूरत शॉट लेग साइड पे, मेरे ख्याल से लेग साइड का रन ही नहीं है, अगर हल्का सा चूक जाते। अबे कैमरामैन क्या भंगी है क्या, एक जगह रखना। अगर हल्का सा भी चूक जाते तो अभी इनकी वखियां हाफ हाफ हो जाती हैं। और ये शोएब अख्तर पता नहीं कब पहुंचेंगे अपने रन अप पे। यार ये उठा देना जब ये पहुंच जाए, घूम पड़े हैं मेरे ख्याल से, अब बॉल आने लगी है। और ये शोएब अख्तर अपना रन अप लेकर आ रहे हैं, और इस बॉल पे क्या होगा, छक्का हो पाएगा, और ये शॉट खूबसूरत, कहाँ गई बॉल, ओ कुछ भी नहीं हुआ, लख दिलानत। और ये शोएब अख्तर के अपने हाथ कांप रहे हैं, उनसे बॉल तक नहीं पकड़ी जा रही, आई थिंक उन्होंने अपनी जिस्म से ज़्यादा जान लगा दी है। वापस जा रहे हैं अपने रन अप पे, पिंडी से भाग कर आते हैं G13। लेट सी इस बॉल पे क्या होगा, हमजा ने बैट घुमाया है, लेट सी, मेरे ख्याल से छक्का मारेंगे इस बॉल पे। और ये शोएब अख्तर आ रहे हैं, फ्रेम से ही बाहर कर दिया कैमरामैन ने, कैमरामैन पता नहीं कौन सी सस्ती चर्च पी किया। और ये बॉल, और इस बॉल पे वाइड बॉल, खुदा रहा ये कोई बैकग्राउंड पे क्रिंज गाने बंद करवा दिए। और ये शोएब अख्तर ने अपना रन अप छोटा कर लिया, और ये शॉट सिर्फ सिंगल ही होगा मेरे ख्याल से। और ये दोनों बल्ले ऐसे टकरा रहे हैं जैसे कोई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पे खड़े हों। पूछा नहीं था आपसे, चुप करके बैटिंग करें। और ये स्पिनर आ चुका है आई थिंक सईद अजमल, अरे इतना बुरा एक्शन। और ये इतनी लुल्ली बॉल मिस कर दी, लुल्ली टीम के लुल्ली कैप्टन है,
और ये कैमरामैन पता नहीं कहाँ जा रहे। अरे भाई ये काम दिया ना आपको, किधर जा रहे हो? ओ भाई आई थिंक शायद डिफरेंट एंगल से हमें दिखा रहा है। शॉट हवा में खेल दिया है, क्या कैच होगा या छक्का होगा? अबे भाई क्रिकेट का व्लॉग है ये, क्या कर रहे हो? गाइस मैंने भी शॉट मारी है और बॉल घूम गई है, अब सब वही ढूंढ रहे हैं। वो देखो सारे फैल गए, वो उधर घूम रहे हैं। इससे कितनी दूर जानी है यार, तू खपड़ी पे चला आसमान के पास। हाँ है, तो गाइस बॉल घूम चुकी है, ठीक है, घूम रही है गटर में गई, इसी वजह गटर में चले मैं, इसी वजह छोटी जगह पे नहीं खेलता छोटे लोगों के साथ। तो गाइस आज जरा हम इसकी फुटबॉल की स्किल्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ये फुटबॉल है, सामने वो है, चल सब। ये क्या हो रहा है? मुझे तो क्रिकेट की कमेंट्री के लिए बुलाया था, बीच में फुटबॉल आ गया, इसके मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो लेट्स सी क्या होगा, क्या गोल कर पाएंगे इस पेनल्टी पे हमजा, जेरी सेव कर लेंगे, लेट्स सी। टू और हक दिया क्रिकेट की तरह यहाँ पे भी। ओ आई थिंक ओ भाई लड़ाई हो चुकी है, कप्तान के ऊपर लोग चढ़ पड़े हैं, क्रिंज 11 के सबसे बड़े क्रिंजर के ऊपर लोग, और ये कोकोनट खोलने लगे थे। ओहो आई थिंक गाइस मजाक से बात सीरियस हो गई है, सब लाल हो गए हैं। बात सुनो, मेरे पास हल है, मैं तेरा लाड़ा खोल देना, हम चीजें तुम्हारे एक बार मैंने खोल दी। एज एक्सपेक्टेड गाइस, क्रिंज 11 के कप्तान हमेशा क्रिंज बात ही करेंगे। तो गाइस आई थिंक हमने 44 का टारगेट दिया, लास्ट मिनट प्ले था नहीं और ये सारे आउट हो गए, मैं ही किलर रह गया। वैसे बॉल भी एक रहती थी, खैर है हमने पहले ओवर में उनकी 2 विकेट ले ली हैं। अब इससे बॉल सीधी कराई नहीं जा रही चोमू से, क्रिकेट कम और खप ज्यादा यहाँ पे। गाइस गर्मा गर्मी होगी पिच पे। अबे सुबह सुबह आना भी है, सीरियस भी नहीं खेलना, अपना टीम में रूम स्कोर दे रहे हैं यार। वो 5-6 पर अगले ओवर दे देते, अभी देना तो उसको ओवर, बस मिल के ओवर यार होगी। 2 मैच हम इजी जीत चुके हैं और अब बॉल गई है वहां पे, और ये कैप्टन साहब झाड़ियों में। 2000 years later. बाजीवा तो आज के दिन का इख्तिताम हुआ और क्रिंज 11 ने 3-0 से आसानी कोकोनट 11 को शिकस्त दे दी, और अब दोनों टीम्स 2 बाइक्स के ऊपर अपने अपने घर जा रही हैं। तो आपसे मुलाकात होगी अगली संडे, अल्लाह हाफिज। चलो भी मेरे 500 रुपया दे दो, जल्दी करो आगे, मैंने कबड्डी के मैच में भी जाके कमेंट्री करनी है। उठ, सारा दिन सोना है, सारी रात सोना है, कोई काम काज ही नहीं है। तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है, हमारी वापसी का टाइम हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी नहीं तुम्हारी, मेरी। कैसा फील हो रहा है आपको? दिल गार्डन का रहा है, समझ आ रहा है, आज ईद है। ये सर मेरे घर वालों से पूछा मुझे कैसे लग रहा है, उनसे इंटरव्यू लेना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ अगर सोना है तो सो जा, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं तुझे निकाल के सोना, आराम से। आज मेरी ईद है। तो गाइस पीछे 8 मिनट रहते हैं, ठीक है, हमारी बस निकलने में, और जल्दी जल्दी में नाश्ता किया, चाय हाथ में ही पकड़ लिया। आप प्यार इतना जी, घर वालों का क्या करे, क्या पता बस निकल जाए क्योंकि टाइम 8 मिनट रह गए। मनुष था भला, ऐसी कोई गलत बात ना बोलने नहीं लगी, बस अभी टिकट प्रिंट भी करवानी है। कहूंगा मैं बस के लेट दूंगा, देखी तू बस अलग चढ़ा दे। तो गाइस मैं कह रहा था कि जो मेरे 8 या 9 दिन जो है बहुत हेक्टिक गुजरे हैं, बहुत ही मैं ना स्ट्रेस में रहा हूँ, जिंदगी ऐसे पता नहीं क्या हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही, स्ट्रेस डिप्रेशन सब कुछ हो रहा था, एंजाइटी। अब सब उतर गया। तो यार हमने 3 दिन व्लॉगिंग इस वजह से नहीं की, हम एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय तो कर रहे थे, और तो कुछ नहीं किया, और तो बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन वो याद है ना क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ एक शॉट मारते हुए ना मेरे शोल्डर से निकला पटाखा और मुझे लगा मेरा शोल्डर क्या ऊपर से ये शॉट डाले जा रहा है, छक्का मार यार, और मेरा यहाँ से कंधा निकला है। खैर होते हैं यूट्यूबर होने के नुकसान। चलो खैर खैर 3 दिन से ऐसे व्लॉगिंग नहीं की, व्लॉगिंग नहीं की इसका मतलब ये नहीं है हमने कुछ नहीं किया। KFC गए, KFC जाके 2-2 एक्सट्रीम डुओ बॉक्स खाए, एक बंदे ने मतलब क्या हो गया, 4 जिंगर बर्गर,
चार चिकन पीस, दो फ्राइज, चार ड्रिंक्स, डेढ़ लीटर बोतल, उसने डेढ़ लीटर ही उठा के दे दी। कैसे आप, क्या बात, तो उसे तुम लोग खाओ आराम से बैठ के। तो पैसे तो हमने बहुत उड़ाए उस टाइम मेरे। ये मेरे तरीके, मैं जिन्हें कर मैं मार दूंगा। नौ दिन मेरे घर में जाप रहा है, मेरे मेरी फैमिली और मेरे से पूछ क्या बीती हम पे। बरकत पड़ी है तुम लोगों के घर में नौ दिन। जो पैसे थोड़े बहुत थे हमारे पास वो भी गायब हो गए। दाल बनाने में पैसे ही कितने लगते हैं, तीन चार दिन कढ़ाइयां भी बनी थी। तो गाइस आ गया हमारा ड्राइवर का टर्मिनल। नहीं आगे, मेरा बाजू थक गया, मैं बंद करना चाह रहा था। आगे गाइस हमारा इंशाल्लाह अब आपको ये रही मेरे खान में नजर आएगा, यहाँ नजर नहीं आएगा। वो चल रहा है गाइस, सून सून, वेरी सून। अब इनवाइट नहीं करना, ये अभी कौन सा तूने किया, अभी तूने किया था, वैसे याद आ गया मुझे। मैंने तो उंगली पकड़ी थी, बाजू पकड़ लिया तेरी तरह, गर्दन तो नहीं पकड़ी मुझे क्या पता। तो फाइनली टाइम से मैं बस के अंदर पहुंच गया। बस वालों ने हमें कुछ खाने के लिए दिया और मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर 5 रुपए वाला लेस था। ऑफ कोर्स इससे तो मेरे दांत भी गीले नहीं होने वाले थे। तो मैं नीचे उतर के मैंने जिंगर बर्गर ले लिया और जब मैंने जिंगर बर्गर खाने के लिए खोला तो वो एक्चुअली गोभी वाला बर्गर निकला है, क्योंकि उसके अंदर गोभी के अलावा कुछ था ही नहीं। गोभी, उसके नीचे गोभी और उसके नीचे भी है गोभी। अल्लाह करे जिसने भी मेरे साथ ये स्कैम किया है वो नहाने जाए, जब वो अपने ऊपर साबुन लगा ले तो गर्म पानी आना बंद हो जाए। तो बस गाइस इसी के साथ हम व्लॉग को खत्म करेंगे। अगर तुम्हें व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम इस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहोगे या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।